कोरोना और लॉकडाउन के बाद दुकानदारों और टूरिस्ट से बातचीत और हवा महल सुपरिटेंडेंट सरोजनी चंचलानी से पोस्ट कोविड में टूरिस्ट की संख्या पर मालूमात। अभी धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है और बहुत पर्यटक आ रहे हैं, पूरे भारत से पर्यटक आ रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूल के ग्रुप भी आने लग गए हैं। तो मैम क्या कहना चाहेंगे कि आगे उम्मीद और ज्यादा पर्यटकों की है? आगे हम लोगों को उम्मीद है कि पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी, निरंतर बढ़ रही है और भी बढ़ेगी और पर्यटन उद्योग को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा इससे। मैम आपका नाम और डेजिग्नेशन? सरोजनी चंचलानी, अधीक्षक। भयानक था एक, मतलब ना भूलने वाली वक्त को हम कह सकते हैं, ये बुरा दौर है जिससे हम लोग गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी इसका कहीं ना कहीं असर बना हुआ है। वो डेल्टा की बातें हो रही हैं तो उससे हमको थोड़ा परहेज करना चाहिए। तो अभी कोरोना काल क्योंकि लगभग राजस्थान में 0% आ चुका है और आप यूपी से यहाँ बचे हैं, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं राजस्थान में और यूपी के अंदर? दिल्ली में गया था मैं, बनारस से हूँ। दिल्ली, बनारस और राजस्थान, बनारस राजस्थान का जो रहना सहना है हमको एक तरह का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोड वगैरह पर मास्क की उतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं है, लेकिन दिल्ली में लोग स्ट्रिक्ट हैं। दिल्ली में मेट्रो में मैंने देखा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, दिल्ली में फ़ौरन आपको पकड़ के चालान करते हैं। बनारस में भी लोग लापरवाह, एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही बनारस या राजस्थान दोनों जगह हमें सेम दिख रही है। आपका नाम बता दें? मेरा नाम शमशीर अली है। हम बनारस से हैं और यहाँ पे हम 2 दिन पहले आए, ऐसे ही टूरिस्ट पैलेस की तरह, बस टूरिस्ट आए, जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, यहाँ एकदम वातावरण काफ़ी साफ सुथरा है, अच्छा लग रहा है। कोरोना काल के बारे में आप क्या कहना चाहें? कोरोना काल भी घूम रहा है, यहाँ तो ऐसे भी घूमने फिरने ट्रेन पर आने जाने में कहीं भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कोरोना जैसा कोई माहौल है। लोग बिना मास्क के भी बेधड़क चल रहे हैं, अच्छा खासे, तो कोई दिक्कत नहीं चल रही है, ऐसा कोई सिम्टम या कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है। हम लोग खुद कई दिन से घूम रहे हैं लेकिन कोई जा नहीं, बस मास्क लगा रहे हैं, सेफ्टी कर रहे हैं अपनी। आपका नाम बताओ? शाहिद। पर जो टूरिस्ट का मामला है किस तरीके का, आइए हम दुकानदारों से बात करते हैं, मालूम करते हैं कि टूरिस्टों का क्या हाल है इस वक्त में। अच्छी ग्राहकी चल रही है, तो कोरोना से जो हम लोग पिटे हुए थे उसका थोड़ा बहुत भरपाई हुई है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जिससे हमारे टूरिस्ट वापस से नहीं आने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट और हमारे प्रशासन से मेरी अपील है कि जो जयपुर शहर के अंदर या हवा महल क्षेत्र या किसी भी ऐतिहासिक इमारत के आसपास जो लपके घूमते हैं, जो इन टूरिस्टों को ले जाते हैं, उनको लूटते हैं, उनसे ठगी कर रहे हैं, उनको रोका जाए। और कुछ हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है, जो सिपाही कर्मी हैं वो बाहर की गाड़ियों को देखते हैं और उसको फ़ौरन रोकने की कोशिश करते हैं बाहर के नंबर, तो थोड़ा इनके साथ लिहाज रखा जाए। तो गलती करते हैं तो बेशक उसका चालान करें, मना नहीं, लेकिन बेवजह किसी को परेशान ना करें। अभी मार्केट बहुत अच्छा है, टूरिस्ट बाजार के अंदर काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लोग खुशी खुशी आ रहे हैं, कोरोना के जो भी गाइडलाइन है उसका वो पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज वगैरह करते हैं, हम यहाँ पर अपनी शॉप के ऊपर इस चीज़ का पूरा मेंटेन करते हैं। आपका नाम होटल? सैयद मंजूर अली, रुपरानी बैनर्स। जब तक शादी विवाह के, जब आप जन्मदिन के लिए और जन्म खुशियां मनाने के लिए 5,000 आदमियों का मेला कर सकते हैं, तो शादी विवाह में भी 400-500 आदमियों की छूट आराम से दी जा सकती है। तो 500 आदमियों का जब मेला बाजार में घूमेगा तो सर्कुलर घूमेगा और वो पैसों की चैनल घूमेगी, तो व्यापार भी चलेगा, लोगों की आजीविका पूरी रूप से चलेगी। टूरिस्ट के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? टूरिस्ट भी जब ही घूमेगा ना, जब आपके मीडिया के अनुसार, जब तक आप एक दिन में ही आप कोरोना फैला देते हैं, एक दिन में कोरोना समेट देते हैं, तो मीडिया को भी, मतलब कब से टूरिस्ट को डर लगा रहता है। आपका नाम बताइए? मैं हवा महल हुआ और जैसे आमेर रोड वगैरह हुआ, तकरीबन क्या है सभी बंद पड़े हुए हैं, और टूरिस्ट की वजह से क्या है संडे के दिन भी हम लोग क्या है यहाँ पे पूरे दिन भर यहाँ पे बैठते हैं, पूरा 8-9 बजे तक ड्यूटी देते हैं, तो हमारा क्या है मोस्टली काम टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। तो हम यही चाहेंगे जल्द से जल्द, मतलब फ्लाइट वगैरह खुले, टूरिस्ट का आवागमन चालू हो और जिससे लोगों को राहत मिले और बिजनेस आगे बढ़ सके। आपका नाम? जी, मेरा नाम। समय से कोरोना काल के चलते हुए पूरे जयपुर के अंदर टूरिस्टों का मामला बहुत कम था, मगर अब कुछ टाइम से, तकरीबन 3.5 महीनों से टूरिस्ट के लिए जब खोला गया टूरिस्ट प्लेसेस, उसमें इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वो हवा महल का हिस्सा है, जहाँ पर टूरिस्ट, मेरे पीछे आप देख सकते हैं,
कि यहाँ टूरिस्ट मौजूद हैं और अपने जो है इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद में। अभी हमारी डायरेक्टर साहिबा से यहाँ पर बात हुई थी, उन्होंने बताया था तकरीबन 159,974 टूरिस्ट अब तक 3.5 महीने में हवा महल के अंदर दौरा कर चुके हैं और यहाँ पर आकर के अपना एंजॉय कर चुके हैं। यहाँ जयपुर में जो है, जयपुर से बाहर यानी उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, आपके आंध्र से, देन एमपी वगैरह से, सब जगह से टूरिस्ट यहाँ पर आसानी से आ जा रहे हैं और बड़ी सख्ती के साथ में यहाँ पर पूरी गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और मास्क और सैनिटाइज़र का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि थोड़ा दूरी बना के रखें, मास्क पहन करके रखें। मैक्सिमम टूरिस्ट का यही हाल है कि वो मास्क पहन करके ही अपने काम को, अपने घूमने को अंजाम दे रहे हैं। जयपुर से लोग जयपुर को देखने के लिए पूरी दुनिया में दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर। इस वक्त जो हवा महल है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर है, जो 5 मंजिला है और इसको देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। देखिए मेरे पीछे जो हिस्सा देख रहे हैं वो हवा महल का है और यहाँ पर अंदर की तरफ जो हिस्सा है वहाँ पर टूरिस्ट मौजूद हैं, ऊपर के हिस्से में वहाँ पर टूरिस्ट हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त जो जालियाँ हैं यहाँ पर भी टूरिस्ट हैं। देखिए आप मेरे पीछे जो हैं यहाँ छत के ऊपर भी टूरिस्ट जा रहे हैं और इधर हवा महल के इधर जो रास्ता है ऊपर जाने का वहाँ पर भी जा रहे हैं। देखिए अब आगे आने वाला वक्त, उम्मीद यही करते हैं कि राजस्थान में इस वक्त में कोरोना के मरीज़ जो हैं वो 0% पे आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे जो सीज़न आ रहा है दिवाली का और घूमने का, जो सर्दियों का सीज़न आ रहा है, नया साल भी आएगा, उनको देख करके टूरिस्ट यहाँ जयपुर में बढ़ेंगे क्योंकि जयपुर की रिवायत जो है, जयपुर का खाना, जयपुर का रहना और जयपुर का यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो बड़े मशहूर हैं, जो लोग देखने के लिए बड़े तरसते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त बहुत ही शानदार आएगा और उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल जल्द यहाँ से रवाना होगा। डॉक्टर इस्माइल।